काफ़ी एक्शन में है और आपको चलता हुआ दिख रहा है, रुचित ने अपना व्यू पॉइंट भी रख दिया है। आगे बढ़े, नेस्ले के भी नंबर्स आने हैं, उसका भी अनुमान विनी ने बना रखा है। एक बार उनको वापस से अपने साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने टाटा कंज्यूमर्स का बताया, ऐसे एक बार जरा नेस्ले का भी पता कर लेते हैं। विनी, जरा नेस्ले के बारे में बता दीजिए, उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं? नेस्ले के जो नंबर्स है ये टाइम दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स अच्छी एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ है 9.9% पे एक्सपेक्टेशन। मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 170 बेसिस पॉइंट की और प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्टेड है। 16% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो बेटर देन व्हाट जो अभी तक एफएमसीजी कंपनीज ने रिपोर्ट किया हुआ है। और मेन फैक्टर भूलिए मत कि फूड एंड बेवरेज जो ओवरऑल सेगमेंट है एफएमसीजी पैक में वर्सेज होम केयर पर्सनल केयर सेगमेंट, फूड एंड बेवरेजेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो ये नेस्ले को श्योरली सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। आउट ऑफ होम कंजम्पशन में एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूवमेंट होगी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ पे होगी। न्यूट्रिशन बिजनेस भी उनका एक्सपेक्टेड है कि अच्छा करेगा। और डिफ्लेशन जो है एडिबल ऑयल में, वीट में, प्राइजेस में, पैकेजिंग प्राइजेस में, मिल्क प्राइजेस में, उसकी वजह से मार्जिनस में थोड़ी यू नो डिक्लाइन दिखेगी, कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी मार्जिनस में, आई बेग योर पार्डन, एक्सपेंशन दिखेगी मार्जिन में क्योंकि प्राइसेस कम हो चुके हैं। तो उसकी वजह से फोकस रहेगा इबिटा मार्जिनस में, जिसको सपोर्ट करेगी ऑपरेटिंग लेवरेज। तो डिमांड ट्रेंड्स पे वॉच आउट करेंगे, उसके नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च हो रहे हैं और मिल्क और न्यूट्रिशन सेगमेंट कैसे कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी प्रॉफिट करीब करीब 16% है, आपको ध्यान होगा। उसका टाटा कंज्यूमर्स का प्रॉफिट भी कुछ कुछ ऐसे ही आ रहा था और इसकी भी आय बढ़ेगी। इसके मार्जिन्स जो टाटा कंज्यूमर्स के 14% थे, इसके मार्जिन्स 23.5% के होंगे। इसका भी एबिट करीब 18% है, उसका भी एबिटा करीब करीब 16 से 17% बढ़ के आ रहा था। कुल मिला के दोनों के नंबर्स में डाउनग्रेड कहीं नहीं है, अपग्रेड होगा। कमेंट्री दोनों की इंपॉर्टेंट होगी और ये कमेंट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी कि एमपीसी की बैठक भी चल रही है, जो कंजम्पशन का पैटर्न भी थोड़ा ड्रॉ करेगा। धोनी, एक बार जरा नेस्ले का चार्ट आप चेक करोगे, नेस्ले नंबर्स अनुमान से तो लग रहा है कि ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे नेस्ले का डेली चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक ने नीचे की तरफ अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया है, जिसको हम पिछले 10 सेशन से अगर देखें तो वहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। 2435 का यहाँ पे लेवल बनता है जहाँ पे स्टॉक ने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लिया है। आज के सेशन में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ी सी एक नरमाश दिखा रहा है, बट वो लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसको वेट एंड वॉच कीजिए, जैसे ही ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 2465 का ब्रेकआउट मिलता है वहां पे आप स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं। 2500 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया 2435 का लेवल हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो 2435 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे।